भाग बेड़ा भाग द बेनिफिट ऑफ रनिंग दोस्तों मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ बहुत अच्छे अच्छे फिटनेस वाले लोग हैं यूट्यूब पे इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं बात करता लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है आई डोंट माइंड शेयरिंग मुझे लगता है कि कई बार जो फिटनेस के प्रोफेशनल्स हैं वो एक अलग लेवल पे होते हैं हमें उनसे इतना रिलेट नहीं कर पाते लेकिन जो लोग हमेशा फिटनेस में नहीं, नहीं रहे हैं और उनको फिटनेस से कुछ मिलता है तो कई बार वो हमें ज़्यादा सिखा जाते तो एज दैट पर्सन मेरा ये वीडियो है आई एम श्योर आप में से काफी लोग जो ये देख रहे हैं मेरे से ज़्यादा फिट हो गए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए ज़्यादा उनकी नॉलेज भी होगी आपकी तो प्लीज़ यू नो उसे करेक्ट कॉन्टेक्ट में समझना मैं आपको एक सिंपल चीज़ का फायदा बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिस चीज़ ने मेरी लाइफ में मेरे को बहुत फायदा पहुंचाया है और वो है रनिंग वो है भागना आई लव रनिंग of course i love running is not like i love laddu or i love jalebi but in the sense that in terms of the exercise types i am lucky ki i love running to ek tarah se if some people hate it so ए, 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 इत, तो, i know for those people shayad ye advice itna valuable na ho lekin kai logon ne na hate karte na love karte most log aise hi hote hain ha theek hai तो लगता है इतनी क्या बड़ी बात है running में इतना क्या बड़ी बात है लेकिन मैं आपको एक चीज बता दोस्तों इस रनिंग ने मेरी लाइफ बदल दी रियली really, इट has रियली चेंज माई लाइफ तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी इसको अपनी लाइफ में लाने का सोच सकते हो क्योंकि कई बार हम वीडियो बनाते हैं कि भाई ये कैसे करो अपने आप को बदलो लाइफ में बदलो पर सिर्फ वीडियो देखने से नहीं बदलोगे ना सिर्फ एडवाइस से नहीं बदलता एक्शन तो लेना पड़ता है एंड वन ऑफ द फर्स्ट एक्शन अगर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना लाइफ में तो अपनी फिटनेस का ध्यान दो और अगर वो भी नहीं समझ आ रहा कि उस फिटनेस पर भी कैसे ध्यान दे इतना कंफ्यूजिंग है इतने सारे वीडियो इतने सारे तो बॉस भागना शुरू कर भाग बेटा भाग भाग चमन लाल भाग भाग चिंटू भाग भाग मोनिका भाग भाग अदिति भाग भाग मोहित भाग जो भी तुम्हारा नाम है भाग बस ये uh, इतने ज्यादा हैं एंड इट्स बेनिफिट्स एक जो सबसे पहला बेनिफिट लोग सोचते हैं कि हाँ इससे वेट लॉस होता है कोर्स होता है रनिंग इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू बर्न कैलोरीज देर आर मेनी वेज यू कैन बर्न कैलरीज एंड आई नो लोगआउट करो उससे थोड़ी ज्यादा कैलरीज बट रनिंग इज वेरी हाई कैलरी बर्नर काउट राइट ना पीपल विल से अरे पर ये कार्डियो है, सर आपको पता नहीं है मसल उठाने पड़ते हैं आई नो आई नो आई नो इट एंड आई ऑल्सो डू वेट ट्रेनिंग ओके ना आई डू इट आई गेट इट बट मैं ये उन लोगों की बात की बात करूं जिनका फिटनेस प्रोग्राम है ही नहीं या जिनको समझ नहीं आ रहा लाइफ में कैसे शुरू करें या लाइफ में बहुत बुरे हाल हो रखे हैं उनके like कि रहा है, ये नहीं है वो मेरे, मेरे नहीं नहीं मैं आपको सिंपल बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप अपनी लाइफ में उसको ला सकते हो और कैसे किसी भी सिचुएशन में आप लाइफ के किसी भी नॉट जस्ट फिटनेस रनिंग आपको फायदा पहुंचा सकती है मैंने ये सब मैं जिंदगी में हमेशा पहले भागता था फिर मैंने भागना बंद कर दिया फिर करियर आ गया और फिर उसके बाद जस्ट uh, you know, अपना ध्यान रखना बंद कर दिया एंड आई लॉट ऑफ वेट एंड फिर जब ये लॉकडाउन वगैरह हुए तो मैंने कहा कि अभी क्या करूं और जहां मैं रह रहा था वहां पे सिवाय रनिंग के और कोई चारा नहीं था बाहर निकलने का कि आप एक्सरसाइज के लिए बाहर निकल सकते हो और मास्क उतार सकते हो अगर आप भाग रहे यू नो आई मीन उन्होंने कहा वैसे मास्क लाए रखना है नो बडी लाइक्स मास्क एज एज यू नो आई ऑल्सो हेट दैम बट क्या करें पहनने पड़ते हैं सो प्लीज वेयर दैम इफ यू हैव टू दैरिक सेफ बट फॉर रनिंग Uh, जहाँ आसपास मेरे कोई नहीं था एंड आई आई रनिंग वेरी फास्ट अलाउड टू रिमूव द मास्क तो मैंने फिर उस चक्कर में रोज एक घंटा बाहर मेरा घूमने का मन करता था लॉकडाउन में और बिना मास्क के तो मैंने फिर uh, भागना शुरू किया एंड इट रियली चेंज माई लाइफ अफकोर्स आई लॉस्ट वेट यू नो आई लॉस्ट वेट आप मेरी पहली वाली फोटो देखो आप देखो आई लॉस्ट वेट ओनली रनिंग आई एग्री इज नॉट इवेंचुअली इवेंचुअली यू मस्ट एड अदर थिंग

कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है आपको सोचना नहीं है राइट right? क्या करना है आज आज भागना क्या करते हो आम ए रनर आप भागना भागना क्या करना है पाव आगे रखना है फिर पाव रखना है कोर्स रनिंग में भी फॉर्म होती है रनिंग में भी आपको अपना लाइक यू 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 नो नो हैव टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड यू हैव टू यूज योर हैंड्स एंड ऑल थोड़ा यू हैव टू रन विद द प्रॉपर ऐसे धड़ 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 करके तो यू विल हर्ट योरसेल्फ बट नॉर्मल इट्स नॉट दैट हार्ड टू पिक दैट अप यू नो किसी कोई भी भागना तो सीख ही सकता है एंड देन इट बिकम्स वेरी सिंपल You know, ज्यादा डिसीजन नहीं लेना मैं भागता हूँ एक डिस्टेंस आप सेट कर लेते हो यू नो सबकी अपनी एबिलिटी है आई वॉन्टेड अ डिस्टेंस जो काफी हो काफी मुश्किल भी हो लेकिन इतना मुश्किल भी ना हो कि एक बार किया और दो हफ्ते के लिए मैं आउट फिर कर ही नहीं सकता सो आई केप्ट अ एट किलोमीटर डिस्टेंस एक्चुअली इट केम फ्रॉम माई डेज इन हांगकॉन्ग जब मैं बैंक में था हॉन्गकॉन्ग में वी हैड अ एरिया देयर कॉल्ड बोएन रोड हांगकॉग बहुत हिल है सारा अपडाउन अपडाउन है बट बोएन रोड इज दी ओनली रोड जो

आपकी स्पीड शायद ज्यादा ना हो पहले फिर बाद में बढ़ेगी यू कैन जस्ट रन सच कि आपका हार्ट रेट ऊपर हो जाए और आपको मतलब थोड़ी मुश्किल हो भागने में आप बात एक रूल होता है कि आप गाना ना गा सको पर आप किसी से दो चार बातें कर सको थोड़ी बहुत हाँ हाँ लेकिन इतना आपका हार्ट रेट होना चाहिए कि आप किसी की बात का जवाब तो दे सकते हो लेकिन आप गाना नहीं गा सकते गाना गा सकते हो नॉट हाई नो यू द एम इज टू आपका जो हार्ट बीट है वो पल्स रेट है उसको हाई लेके जाना है सो ऑफकोर्स यू हैव टू मेडिकल कंडीशन अगर आपको कोई तकलीफ है ये सब तो ऑब्वियसलीड कंसल्ट डॉक्टर एनी वे यू कैन आस्क योर डॉक्टर बिफोर यू रन सो आई मीन इन दैट सेंस येस प्लीज डू टेक दिस एज देट की यू मस्ट कंसल्ट योर ओन फैमिली डॉक्टर अगर आपका को लगता है कि बिफोर यू डू एनी मेजर थिंग बट डेफिनेटली डेफिनेटली यू नो द इजी थिंग इज की आपको पता है कि एक बार आपने सेट कर लिया कि मैं चार किलोमीटर भागता हूँ चलो तो चार किलोमीटर आपको रोज भागना है तो और आज यू कैन मेनली से कि मैं रोज भागूंगा योर सिटी सम प्लेस सिटी डेव लाइक आज जैसे मुंबई में मैं होता हूँ तो काफी मुश्किल होती है मुझे पर फिर भी मैंने वहां ढूंढ लिया मेरे घर के पास एक काट रोड है क्राउडेड होती है बहुत लोग सैर कर रहे होते हैं लेकिन दो किलोमीटर का एक चक्कर है जॉगर्स पार्क वगैरह वो कर कुर के हो जाता है hmm. करने वाले कर लेते हैं सो आई फाइंड अ प्लेस टू फिनिश माय एट किलोमीटर्स इवन इन क्राउडेड सिटीज लाइक मुंबई तो आप भी अपने आसपास कोई जगह तो ढूंढ ही सकते हो जहां आप अपना रन कंप्लीट कर सकते हो आई थिंक यू कैन रन इन द जिम ऑल्सो इफ यू हैव ट्रेडमिल एंड ऑल इज फाइन सम डेज आई विल रन इन द जिम इन ट्रेडमिल उससे एक्चुअली मेरी स्पीड भी थोड़ी बेटर होती है एंड ऑफकोर्स वहाँ पे ए सी वगैरह होता है तो थोड़ा ईजी होता है लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि बाहर भागना इज मेक्स यू फुल प्रूफ फिर आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो आपको जिम नहीं चाहिए आपको ए नहीं चाहिए आपको कुछ नहीं चाहिए और मैं ये भी कहूँगा कि हर मौसम में भागने की आदत डालो यू you नो know? uh, हल्का सा ठंड है हल्की सी गर्मी ऑफकोर्स नॉट ऐसे कड़कती धूप में जो आप पक्का पता है कि डिहाइड्रेट होकर गिर जाओगे डोंट बी फुलिश मतलब फुलिश चीज़ें मत करो लेकिन जनरली हल्की सी गर्मी हल्की सी सर्दी हल्की सी बारिश हो सकता है मैं तो बारिश में भी भाग चुका हूँ बट ऑफकोर्स आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव बिकॉज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यू डोंट हैव गुड शूज एंड ऑल

लेकिन आप ये सब करोगे एंड डू इट ट्रस्ट मी एंड डू इट फॉर वन वीक वन वीक आप रोज करो ठीक है और यू कैन कॉल इट अ चैलेंज कॉल इट वट एवर चेतन भगत चैलेंज और वोटैवर आई डोंट नो आप फिर देखो कि आपकी uh, लाइफ में क्या फ़र्क आ रहा है आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी आपका इमोशनल मूड बेटर होगा आपका वेट लॉस भी स्टार्ट हो जाएगा आपका गंद खाने का मन नहीं करेगा एंड यू इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मेडिटेशन यू नो तो भागने के बहुत फायदे हैं एंड एवरीबडी शुड रन इफ दे कैन अगर आप आज भाग सकते हो ना तो शुक्रगुजार हो कि आपके पास ताकत है आपके पास स्टेमिना है आपके पास इंड्योरेंस है आपकी टांगें ठीक चल रही हैं आपके पास जगह है आपको भागने को मिल रहा है सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट एंड इफ एट एज फोर्टी सेवन आई कैन बी अ रनर यू कैन ऑल्सो ब रन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एथलीट आई एम नॉट इवन अ प्रोफेशनल एक्टर टाइप के हमेशा से फिटनेस करता रहा हूँ आई राइटर बट लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि यार ये रनिंग ने मेरी लाइफ बदल दिया आई डोंट नो आप सब वीडियो देखने वाले ये करोगे कि नहीं पर अगर कुछ परसेंटेज ने भी कर लिया और आपकी लाइफ में रनिंग आ गई और उससे आपकी लाइफ में बदलाव आ गया तो मुझे लगता है कि ये वर्थ इट होगा लेकिन मैं ज़रूर कहूंगा कि अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो प्लीज़ प्लीज़ आज भागने जाओ राइट एंड आके मुझे बताओ कैसा लगा कॉमेंट uh, में लिखो एंड अगर आप चार पाँच दिन रोज जा सकते हो तो उसके बाद आके भी कॉमेंट दे सकते हो आई एम विद यू एंड लेट्स ऑल डू दिस टर लेट्स रन लेट्स गेट फिट मेंटली फिजिकली एंड देन गेट अहेड इन लाइफ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो ये थोड़ा अलग टॉपिक पे था लेकिन आई होप यू एंजॉयड इट एनी थिंग आई डू हेयर अफकोर्स इट इज फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट एंड रनिंग रियली रियली हैज हेल्प मी इन माई सेल्फ डेवलपमेंट इन लाइफ सो प्लीज अपनी लाइफ में भी लाने की कोशिश कीजिए डू लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट्स एंड दिस वीडियो टू योर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एवर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पड़ोसियों के व्हाट्सएप ग्रुप बिल्डिंग सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप आई डों नो कहीं भी भेजो थोड़ा यू नो लेट पीपल ऑन यूट्यूब Uh, hear some good, useful content, and only you can make it happen like that. Thank you for watching, guys. Take care.